दोस्तों कई लड़कों के कमेंट्स आते हैं कि हमें जिम जाते जाते बहुत टाइम हो गया है, हम अच्छी डाइट भी ले रहे हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, मतलब हमारी बॉडी नहीं बन रही। दोस्तों देखिए, बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट भी ज़रूरी है, डाइट भी ज़रूरी है और रेस्ट भी ज़रूरी है, पर कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिन्हें अगर आपने 3 महीने तक भी अच्छी तरह पूरे डेडिकेशन के साथ पूरी अच्छी तरह फॉलो कर लिया तो 3 महीने में ही आपकी बॉडी बन जाएगी। मतलब 3 महीने में आपकी इतनी बॉडी बन जाएगी कि आप पे कपड़े अच्छे लगेंगे, आपके शोल्डर अच्छे हो जाएंगे, आपकी चेस्ट अच्छी हो जाएगी, आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छे बन जाएंगे। मतलब 3 महीने तक इन टिप्स को आपने अच्छी तरह फॉलो करना है, फिर आपको 3 महीने में ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपकी बॉडी अच्छी खासी बन जाएगी। तो चलिए बात करते हैं उन टिप्स की। टिप नंबर 1, प्री वर्कआउट मील। दोस्तों देखिए, कई लड़के गलती करते हैं कि वो जिम खाली पेट चले जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। आपने खाली पेट जिम नहीं जाना, आप जब भी जिम जाएं उससे 45 मिनट पहले कुछ ना कुछ ज़रूर खा के जाएं। जो मील आपने 45 मिनट पहले ली है वही मील आपको जिम में ताकत देगी और तभी आप हैवी वेट उठा पाओगे। अगर आप जिम खाली पेट जाओगे आप में एनर्जी नहीं रहेगी, आप वेट नहीं उठा पाओगे तो बॉडी कैसे बनेगी। दोस्तों ये याद रहे कि प्री वर्कआउट मील में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट ना हो। कार्बोहाइड्रेट वर्कआउट के दौरान एनर्जी देता है और प्रोटीन मसल्स की रिपेयर करता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आप 2 केले, 2 उबले आलू या थोड़ी सी शक्करकंदी खा सकते हैं और प्रोटीन के लिए आप 4 से 5 एग व्हाइट ले सकते हैं और जिम जाने से 15 मिनट पहले 1 कप ब्लैक कॉफ़ी भी ज़रूर पिए। इससे आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनेगा जिससे आप मसल को अच्छी तरह फील कर पाओगे और बॉडी में अच्छा पंप आएगा। तो ये याद रहे कि 45 मिनट पहले आपने एक प्री वर्कआउट मील लेनी है और 15 मिनट पहले आपने 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पी के जानी है। इससे आपका वर्कआउट अच्छा होगा, आप हैवी वेट उठा पाओगे, मसल्स अच्छे पंप होंगे। टिप नंबर 2, पोस्ट वर्कआउट मील। दोस्तों जिम में आपने एक्सरसाइज कर ली, जो पहले आपने प्री वर्कआउट मील ली थी वो आपने एनर्जी खत्म कर दी वर्कआउट करते टाइम। तो अब जिम में एक्सरसाइज के बाद 15 मिनट के अंदर प्रोटीन जरूर लें क्योंकि मसल्स तो आपके टूट गए पर अब आपको मसल्स बड़े करने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो इसलिए 15 मिनट के अंदर प्रोटीन जरूर लें। अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते तो 5 से 6 एग वाइट जरूर खाएं क्योंकि जिम में जो हमारे मसल्स टूटते हैं उन्हें बड़ा बनाने के लिए एक्सरसाइज के तुरंत बाद प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके मसल्स सिकुड़ जाएंगे। तो इसीलिए मसल्स में प्रोटीन डालना ज़रूरी है, तो इसीलिए वर्कआउट के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर प्रोटीन डाइट ज़रूर लें। टिप नंबर 3, दोस्तों वार्म अप ज़रूर करें। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि लड़के जिम में ना एंटर करते ही हैवी वेट से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं जो कि गलत है। मेन एक्सरसाइज से पहले 5 से 10 मिनट वार्म अप जरूर करें। आप जिस भी मसल की एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले 2 से 3 सेट लाइट वेट के जरूर लगाएं। जैसे अगर आपने लेग्स का वर्कआउट करना है तो शुरू में 2 से 3 सेट 15 से 20 रेपिटेशन के बॉडी स्क्वाट्स के जरूर लगाएं। इसी तरह अगर आपने चेस्ट करनी है तो आप पुशअप लगा सकते हैं और वार्म अप में थोड़ी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी ज़रूर करें ताकि आपके जॉइंट्स खुल जाएं, आपके मसल्स अच्छी तरह वार्म अप हो जाएं। वार्म अप से आपको इंजरी नहीं होगी और वर्कआउट भी अच्छा होगा। आप देखोगे कि जब आप वार्म अप करोगे तो उसके बाद 1 से 2 सेट में ही आपकी बॉडी अच्छी पंप होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए वर्कआउट शुरू करने से पहले 10 मिनट तक वार्म अप जरूर करें। टिप नंबर 4, बड़े बॉडी पार्ट को जरूर ट्रेन करें। दोस्तों आप बड़े बॉडी पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें। चेस्ट, बैक और लेग्स को हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर ट्रेन करें और चेस्ट वाले दिन चेस्ट प्रेस, बैक वाले दिन डेडलिफ्ट और लेग्स वाले दिन बारबेल स्क्वाट जरूर लगाएं। ये सारी कंपाउंड एक्सरसाइज हैं। इन एक्सरसाइज से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है जिस वजह से आपकी पूरी बॉडी का साइज तेजी से बढ़ता है। कंपाउंड एक्सरसाइज से आपके सारे मसल्स ट्रेन होते हैं और आपकी बॉडी की लुक भी एक बॉडी बिल्डर की तरह बन जाती है, तो इसीलिए कंपाउंड एक्सरसाइज जरूर लगाएं। टिप नंबर 5, हैवी वेट से एक्सरसाइज करें। दोस्तों अगर आप अपनी मसल्स का साइज तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हैवी वेट से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आप हर एक्सरसाइज के हैवी वेट से 6 से 10 रेपिटेशन निकालें। वेट इतना भी हैवी ना हो कि आपकी फॉर्म गलत हो, आपकी फॉर्म बिल्कुल सही होनी चाहिए। टिप नंबर 6, वर्कआउट टाइम। दोस्तों अगर आप अपना मसल का साइज तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपना वर्कआउट 45 से 60 मिनट के अंदर खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद हमारी बॉडी कैटाबॉलिक में चली जाती है। ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करने से मसल्स सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, इसलिए एक्सरसाइज को 1 घंटे के अंदर ही खत्म कर दें। टिप नंबर 7, हर हफ्ते वेट बढ़ाना। दोस्तों अगर आप मसल का साइज तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आप हर हफ्ते वेट बढ़ाते रहें, चाहे 2 किलो बढ़ाएं, 2.5 किलो बढ़ाएं, 5 किलो बढ़ाएं, पर बढ़ाएं जरूर। रेपिटेशन 6 से 10 ही रखें। टिप नंबर 8, 3 महीने बाद वर्कआउट प्लान चेंज करना। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके मसल्स का साइज तेजी से बढ़े तो हर 3 महीने के बाद अपना वर्कआउट प्लान जरूर चेंज करें। एक ही वर्कआउट करने से बॉडी प्लेटो हिट हो जाती है, मतलब एक ही वर्कआउट करते रहने से बॉडी का साइज झुक जाता है, बॉडी को उस वर्कआउट की आदत हो जाती है, तो इसीलिए बॉडी को शौक देना जरूरी है। तो हर 3 महीने के बाद अपना वर्कआउट प्लान जरूर चेंज करें।
टिप नंबर 9, स्ट्रेचिंग और पोजिंग। दोस्तों जिम में एक्सरसाइज के बीच बीच में आप स्ट्रेचिंग और पोजिंग जरूर करते रहें, जिससे आपके मसल्स तेजी से बढ़ेंगे और आपकी बॉडी भी अच्छी पंप होगी। और जब आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाए तब भी 5 से 10 मिनट तक बॉडी बिल्डर की तरह जरूर पोज दें। दोस्तों एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए पोजिंग जरूरी है, तो इसलिए आप वर्कआउट के बीच बीच में और वर्कआउट के एंड में पोजिंग जरूर दें। टिप नंबर 10, रेस्ट। दोस्तों अगर आप जल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं तो 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें, क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं कि मसल्स तभी बड़े बनते हैं जब हम सोते हैं। मसल्स क्या, हमारे बाल, हमारे नाखून तभी बड़े होते हैं जब हम सोते हैं। तो इसीलिए रेस्ट लेना, एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। टिप नंबर 12, पानी। दोस्तों मसल बढ़ाने के लिए आपको अपनी बॉडी को पूरे दिन हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, इसलिए आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। दोस्तों हमारी बॉडी में 70% हिस्सा पानी है, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीने से भी मसल्स का साइज तेज़ी से बढ़ता है। और हाँ दोस्तों, बॉडी बनाने के लिए एक वर्कआउट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब जिम के अंदर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आज आपने किस मसल्स पार्ट की एक्सरसाइज करनी है। कई लड़के जिम में एंटर करने के बाद सोचते हैं कि आज कौन सा वर्कआउट करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, जो कि गलत है। तो अपना वर्कआउट प्लान ज़रूर तैयार करें। अगर आपके पास वर्कआउट प्लान नहीं है तो उस पर मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। 3 महीने तक एक वर्कआउट प्लान को फॉलो करें और फिर दूसरा वर्कआउट प्लान, इसी तरह चेंज करते रहें। और हाँ दोस्तों, बॉडी बनाने के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप दिन में 5 से 6 मील खाओ और हर मील में 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप घर पे बनाना शेक बना के पी सकते हो, उसमें आप 1 केला डाल सकते हो, 1 गिलास टोंड मिल्क डाल सकते हो, 2 चम्मच ओट्स डाल सकते हो, 1 चम्मच पीनट बटर डाल सकते हो। आप अगर वे प्रोटीन लेते हो तो उसमें 1/2 स्कूप वे प्रोटीन डाल सकते हो और उसमें कुछ एलिमेंट्स या कुछ ऐसे नट्स डाल सकते हो। आप दिन में 2 बार ये पी सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मील के बारे में तो आप दिन में 2 बार इस शेक को बनाकर पी सकते हो, तो इससे भी 3 महीने में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों आई होप कि अब आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, आप समझ गए होंगे कि बॉडी बनाने के लिए किन टिप्स को फॉलो करना है, बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट प्लान ज़रूरी है, बॉडी बनाने के लिए हमें अच्छी डाइट ज़रूरी है। तो अगर आप तेज़ी से अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करें, इन बातों को ध्यान में रखें, 3 महीने में आपकी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी तेज़ी से बॉडी बनाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखना। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो कुछ ही समय में, मतलब 3 महीने में ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 3 महीने में भी आपकी इतनी बॉडी बन जाएगी कि लोगों को लगेगा कि हाँ आप जिम जाते हो, आपको कपड़े अच्छे लगने लगेंगे, आपके शोल्डर भी ब्रॉड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो उन टिप्स की, जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके बॉडी का साइज भी तेजी से बढ़ने लगेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।